सब आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ, जो एक मूवी हॉल है जो न्यू ओपन हुआ है, गुडमार्क रोड में है, जो इस इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे है उससे थोड़ा सा आगे है। मूवी का नाम है अशोक आइनोक आई एम ओ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक्स सॉरी अशोक आई एन ओ एक्स, ठीक है नहीं। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, यहाँ नीचे स्मार्ट बाजार भी है और ऊपर एक मॉल है और उसके ऊपर है अशोक आई एन ओ एक्स मूवी हॉल का नेम है न्यू, जो ओपन हुआ है कुछ दिन पहले। तो आज इसे मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर और देखते हैं ये मूवी हॉल कैसा है और इसके इंटीरियर वगैरह, प्राइस वगैरह, टिकट की कितनी है, ये सब कुछ जाके पता करेंगे, देखेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग को लास्ट टाइम देखना, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्टार्टिंग में ही कर देना गाइस। ओके तो चलते हैं अंदर, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। देखो इंडियन ऑयल के जस्ट अपोजिट साइड में है ये हॉल, मूवी हॉल अशोक आई एन ओ एक्स, जो नाउ ओपन हुआ है कुछ दिन पहले ही ये है। और इसके नीचे स्मार्ट बाजार है और उस साइड पार्किंग जोन है, जो आप बाइक वगैरह पार्क करोगे उसका 20 रुपीज़ चार्ज लगेगा और हेलमेट का सुरक्षा आप खुद करोगे, हेलमेट का जिम्मेदारी वहाँ पे नहीं है, आप हेलमेट अपने साथ लेके जा सकते हो। और इस साइड से मूवी हॉल का जाने का रास्ता है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। गार्ड अंकल जैसे कि बैठे हुए हैं, ये है रास्ता हमारा मूवी हॉल का, इधर से ही ऊपर चलेंगे, आई थिंक 4th या तो 3rd फ्लोर पे है, देखते हैं अंदर जाके कि कौन से फ्लोर पे है। जैसे कि आप यहाँ पे गाइस देख रहे हो, यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है गदर 2 का, देख सकते हो, और यहाँ पे स्कैनर भी है, आप टिकट बुकिंग कर सकते हो, देखो यहाँ पे है स्कैनर है। और ये जो हमारा हॉल है 4th फ्लोर पे है, और ये हमारा रास्ता है इस साइड से, तो चलते हैं अंदर। लिफ्ट बैठे हुए हैं, इतना सारा भीड़, होते ही सामने से एंट्री करने वाला गेट है, देख लीजिए डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत दिन पहले, ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होता है, जो फर्स्ट टाइम अपने बिहार में हुआ है, इसी हॉल में है, पहले नहीं था, पहले दिल्ली मुंबई में था। और यहाँ पर आप टिकट काउंटर भी है जो ले सकते हो आप, और यहाँ पर अलाउ नहीं जो है कैमरा वगैरह वो सब के लिए था। और ये स्क्रीन पे कौन सा मूवी वगैरह लगा हुआ है वो है, आप देख ही पा रहे हो क्या यहाँ से। और इंटीरियर कुछ ऐसा है, देख लो, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही थी, साउंड बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। और यहाँ पे स्नैक के लिए है, देख सकते हो ये पूरा, ये आइसक्रीम कॉर्नर था जो अभी बंद है, कुछ टाइम में खुलने वाला है। और यहाँ पर आप बैठ के आराम से मूवी, अगर आपका लेट से शो होने वाला है तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से स्नैक्स ले सकते हो। और यहाँ पे ऑनलाइन है, देख सकते हो पूरा, ये पूरा स्नैक्स का ही है, हर जगह कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा, ये सब अलग अलग तरह का है, देख सकते हो कॉर्नर सबका बना हुआ है, आप देखो अच्छे से इधर पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ अलाउ है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, बाहर से आप कुछ लेके नहीं जा सकते हो, जो भी आपको स्नैक्स वगैरह लेना है सब आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, आपको यहीं से लेना है, देख लो यहाँ पे पूरा ये स्नैक्स का है, काफ़ी ज़्यादा 5-6 कॉर्नर है स्नैक्स का, आइसक्रीम का, कोल्ड ड्रिंक का, अलग अलग पॉपकॉर्न, ये सब सब का देख लो। ये इधर बर्गर का है पूरा, वैराइटीज बर्गर का प्राइस वगैरह आप देख लेना। और ये इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब का है, कॉफ़ी वगैरह ये सब सब कुछ है यहाँ पे, देखो इधर भी है 3D, इधर वॉशरूम है देख ही सकते हो, आपको गर्ल्स बॉयज वॉशरूम है साइड। ये ऑनलाइन फास्ट फूड का था जो आप यहाँ से कर सकते हो स्नैक
वगैरह आप ले सकते हो, देख लो। इधर हम लोग जा रहे हैं मूवी हॉल की तरफ मूवी देखने, जो कि 3D मूवी है। यहाँ पे सबको गॉगल्स दिया जा रहा है, देख लो गॉगल्स पहन के मूवी, 3D मूवी है ना, इसलिए। और यहाँ का इंटीरियर वगैरह देख लो, काफ़ी अच्छा है लाइटिंग वगैरह। और ये पूरा हॉल है जो काफ़ी सीटेड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मस्त है एकदम, स्क्रीन भी काफ़ी मस्त है। यहाँ पे एग्जिट का रास्ता है, मूवी काफ़ी अच्छा था, देख लो लोग निकल रहे हैं। गदर 2 का तो बात ही एकदम हाउसफुल चल रही है ना। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अब मेरे हंसी पे मत जाना। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही ज्यादा बनाए रखना। ओके।